सूरा नंबर 10 आयत नंबर 99 पढ़ लेना चाहिए कि अगर कुरान की कि उसमें साफ लिखा है कि अल्लाह का अल्लाह इसी समझाते हैं अपने बंदों को, ये मैं चाहता हूँ सब लोग मुसलमान बन जाते, सबको बना देता मुसलमान में, लेकिन क्या तुम जबरदस्ती करोगे मुसलमान धर्म में आने के लिए? इसीलिए इस्लाम में कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर चींटी के बराबर भी शंका है इस्लाम को लेकर या उसकी बातों को लेकर, पहले पूरी तरह स्टडी कर लो और फिर दाखिल, तो दाखिल हो जाओगे और फिर भी कोई टोकाबंदी नहीं होती है, नमाज पढ़ोगे तो खुद ही अपना पाओगे। लोग ये भी सवाल पूछते हैं आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादी जो होता है वो किसी धर्म का, तो किसी धर्म में आतंकवाद का सपोर्ट हो तो बताओ, कुरान का आतंकवाद का सपोर्ट किया? कुरान की एक आयत में यहाँ तक लिखा है कि एक कत्ल करना पूरी इंसान का कत्ल करना है, कुरान कहता है भाई, पढ़े जाके, मैं आपसे बता रहा हूँ ना। साधु संत कुरान कब से पढ़ने लगे? अब कल को अगर आपको ये मालूम चले कि रमजान में मैं शुक्रवार को रोजा भी रख लेता हूँ तो उसमें भी अच्छे से कित हो जाएंगे। रोजा भी रखते हैं, इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैलाना ऐसा तो कहा जाता है ना। अगर इस्लाम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना खत्म कर चुके होते जब उनको पत्थर मारे गए थे। शांति सुनो, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे ना, उनके पैरों की जूती तक में खून भर गया था, तभी इस्लाम खत्म कर देते वो। इस्लाम फैला है तलवार की नोक पे नहीं, कुरान पे, हदीस पे, हजरत मोहम्मद साहब के जीवन पे। जाके पढ़ो कायदे से, माइक लेके टहलना अच्छी बात नहीं है। हम वो लौंडे नहीं जिनका इंटरव्यू करके तुम बहुत खुश हो जाते हो, हमसे बात करने से पहले कुरानों की किताब पढ़ के आया करो, तब मालूम चलेगा कि देश में क्या चल रहा है।